जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष आपका स्वागत करता हूं पंकज स्टडी सेंटर पर। आज हम जानेंगे एलिमेंट के बारे में, यानी तत्व के बारे में। तत्वों का जो वर्गीकरण चैप्टर है क्लास टेंथ का, उसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम जानेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो हम अब चालू करते हैं, देखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्ज़ाम में। क्वेश्चन है तत्वों के संबंधित प्रमुख तत्व, मतलब तत्व से रिलेटेड, यानी जो तत्व दिया गया है पीरियोडिक टेबल में या आवर्त सारणी जिनको कहते हैं, उसमें जो तत्व दिया गया है तत्व, उससे संबंधित प्रमुख तत्व क्या है वो जानेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कुल तत्व की संख्या कितना है। तो कुल तत्व जो है आवर्त सारणी में वो 118 है। टोटल तत्व की संख्या कितनी है, 118 है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि प्रकृति से प्राप्त तत्व 94 यानी 94 को है। प्रकृति मतलब जो नेचुरल है, जो जिसमें बनावटी नहीं है, उससे कितना तत्व मिला है, 94, जिसको लैब में बनाया नहीं गया है। और कृत्रिम रूप से जिसको बनाया गया है, तो कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व है 24 यानी कि 24। कृत्रिम विधि से 24, प्रकृति से प्राप्त 94, और कुल तत्वों की संख्या 118 है। अब आगे देखिए कि पूछा हुआ है क्वेश्चन कि धातु तत्वों की संख्या कितनी, पूछता है कि धातु कितने हैं। तो धातु कितने हैं, 91। धातु कितने हैं, 91। और अधातु तत्वों की संख्या कितनी, तो 20। इसको याद रखिएगा कि धातु तत्वों की संख्या 91, अधातु तत्वों की संख्या 20, और उपधातु कितने, तो उपधातु तत्वों की संख्या है 7। ठीक है, अभी तक देखे हैं कि कुल तत्व 118, प्रकृति से प्राप्त तत्व 94, जो बनाया नहीं गया है, जो नेचुरल है, वो कितना है, 94 यानी 94, और जिसको बनाया गया है कृत्रिम रूप से, जो बनाते हैं कृत्रिम मतलब होता है कि खुद से बनाया, मनुष्य के द्वारा बनाया गया, तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया मतलब कृत्रिम विधि से प्राप्त निर्मित तत्व है 24। उसके बाद है धातु तत्वों की संख्या 91। धातु कितने हैं, यानी मेटल, धातु को इंग्लिश में कहते हैं मेटल, ठीक है। तो धातु तत्वों की संख्या कितना है, 91। अधातु यानी नॉन मेटल यानी कि अधातु तत्वों की संख्या कितनी, 20। और उपधातु मेटलॉइड, उपधातु की संख्या कितनी है, 7। और भू प्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में, मतलब भू प्रपट्टी मतलब धरातल पर जहां हम लोग रह रहे हैं, भू प्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है, ऑक्सीजन। इस दोनों लाइन को देखिएगा, यहाँ कह रहा है कि भू प्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला ऑक्सीजन, मतलब पाए जाने वाला तत्व क्या है, ऑक्सीजन है। और यहाँ क्वेश्चन है कि भू प्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व, यहाँ सिर्फ तत्व था तो तत्व ऑक्सीजन, धातु तत्व जब देगा तो वो एल्युमिनियम हो जाएगा। देखिए, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, इसको देखिएगा, सिर्फ तत्व कहेगा तो ऑक्सीजन, और जब भू प्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में धातु तत्व पूछेगा तो एल्युमिनियम कहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो आगे देखते हैं अब कि आगे क्या है, सबसे हल्का तत्व क्या है, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व क्या है, ऑस्मियम। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन और सबसे भारी तत्व ऑस्मियम। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे भारी तत्व ऑस्मियम। अगला देखिएगा कि सबसे हल्की धातु तत्व, इसको देखिएगा, सबसे हल्की धातु तत्व तो लिथियम, और सबसे हल्का तत्व सिर्फ कहेगा तो हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कहेगा तो हाइड्रोजन, और सबसे हल्का धातु तत्व कहेगा तो लिथियम। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब कह रहा है कि द्रव्य धातु तत्व, मतलब द्रव्य, वो द्रव्य की फॉर्म में रहता है जो धातु तत्व है, तो वो है पारा, और द्रव्य अधातु तत्व तो ब्रोमीन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछता है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु कौन, तो पारा, और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले अधातु कौन, तो ब्रोमीन। देखिए, इसको याद करने का एक ट्रिक है
कि धातु कितने अक्षर का है, दो अक्षर का। तो जब द्रव अवस्था में धातु कहेगा तो दो अक्षर वाला आंसर 12 हो जाएगा, और द्रव अवस्था में अधातु कहेगा तो अधातु में तीन अक्षर, ब्रोमीन में भी तीन अक्षर। इससे कन्फ्यूजन से आप बच जाइएगा कि द्रव्य धातु तत्व 12 और द्रव्य अधातु तत्व तो ब्रोमीन। आगे देखिए क्वेश्चन है कि विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व कौन, तो चांदी। यानी सुचालक मतलब जिसमें विद्युत करंट ज़्यादा लगता हो, ठीक है। सुचालक मतलब जिसमें करंट का प्रवाह मतलब प्रवाहित हो, जिससे करंट मतलब जा सके। तो विद्युत का जो है इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व तो कौन है, चांदी। चांदी में बहुत ज़्यादा करंट लगता है, ठीक है। और पूछेगा कि विद्युत की सुचालक अधातु तत्व। देखिए वैसे तो धातु सिर्फ है विद्युत का सुचालक, लेकिन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक कौन है, तो ग्रेफाइट। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ये सब। कहेगा कि विद्युत की सुचालक अधातु तत्व, क्योंकि आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि अधातु में करंट प्रभावित नहीं होता है, अधातु में जो है करंट नहीं लगता है। लेकिन एकमात्र अधातु जिसमें करंट प्रवाहित होता है वो क्या है, ग्रेफाइट, ठीक है। और सुचालक धातु का मतलब विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक मतलब सबसे ज़्यादा करंट प्रवाहित होगा चांदी में, ठीक है। और विद्युत की सुचालक अधातु तत्व तो ग्रेफाइट, ठीक है। ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते रहिए वीडियो को, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।